नमस्कार, वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट नोट्स में ब्रह्मांड का परिचय। ब्रह्मांड का परिचय, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बिना कोई टाइम वेस्ट किए, तो ब्रह्मांड का परिचय। देखिए, ब्रह्मांड का परिचय पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए ब्रह्मांड क्या होता है। तो देखिए, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, अन्य जो ग्रह हैं, जो पिंड है, तारे हैं, उन सब को घेरने वाला जो आकाश है वो आकाश कहलाता है ब्रह्मांड। तो पृथ्वी, सूर्य, तारों, सभी ग्रहों, पिंडों आदि को घेरने वाला जो आकाश है वो आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। तो हम समझ गए हैं ब्रह्मांड क्या है। अब देखिए, ब्रह्मांड का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वो शाखा कहलाती है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाती है? कॉस्मोलॉजी, और जिसको हम ब्रह्मांड विज्ञान भी कह सकते हैं। तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाएगी? कॉस्मोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि जो ब्रह्मांड है वो उसका विस्तार होता रहता है, ब्रह्मांड जो है वो बढ़ता रहता है। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी, एक सिद्धांत दिया गया था, वो सिद्धांत कहलाया बिग बैंग सिद्धांत। देखिए, पढ़ते हैं अभी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, मतलब ब्रह्मांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यह थ्योरी क्या कहलाई? बिग बैंग थ्योरी। तो पूछा जा सकता है आपसे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है, जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसने दी थी, किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? जॉर्ज लेमिंटर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। कब किया बात आती है? तो 1966 में किया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। तो जॉर्ज लेमिंटर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। अब बात आती है ब्रह्मांड की आयु की, कि जो ब्रह्मांड है वो कितना पुराना है। तो ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। 13 बिलियन वर्ष, 1 बिलियन में 0 होते हैं 9, तो सोच लीजिए ब्रह्मांड की आयु कितनी है, कितना ब्रह्मांड पुराना है। ठीक है, अब बात आती है ब्रह्मांड के व्यास की। किसकी आती है? ब्रह्मांड के व्यास की। तो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है, यानी कि बहुत बड़ा है। प्रकाश वर्ष क्या है यहाँ पे? प्रकाश वर्ष यहाँ पे दूरी का मात्रक है। दूरी को मापने का जो मात्रक है, जो इकाई है, वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की परिभाषा है, हम यहाँ पे देखेंगे प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए जब नाम आ ही गया है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की गई है वो कहलाती है प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हुआ? दूरी का मात्रक हो गया है। अब देखिए, प्रकाश वर्ष का हम संबंध देखते हैं किलोमीटर और मीटर से, क्योंकि प्रकाश वर्ष के बारे में बच्चों को ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन किलोमीटर और मीटर को तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो इसमें हम संबंध देखेंगे, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर, यानी कि बहुत ही बड़ा। देखिए, 10^12 किलोमीटर कितना बड़ा हो गया, समझ लीजिए आप। और मीटर में संबंध देखते हैं तो 9.46 × 10^15 मीटर। कंफ्यूजिंग है ये। देखिए, कई बार एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर है, यहाँ पर 12 के आगे माइनस लगा देगा वो, लेकिन वो ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रकाश वर्ष है उसका किलोमीटर में मान जो आएगा वो यहाँ प्लस में मान आएगा। ये जो 12 है वो यू प्लस में आएगा, और ये मान बहुत बड़ा होता है तो माइनस में आने का तो सवाल ही नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और मीटर में आएगा तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 15 लिखना है। तो 9.46 × 10^12 किलोमीटर, या फिर 9.46 × 10^15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष का मान है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिए आप साथ में ही।
अब देखिए, जब बात आ गई प्रकाश वर्ष की यानी कि दूरी के मात्रक की, और बड़ी बड़ी दूरी जो मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, तो इतनी बात कर ली है तो हम दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है, जिनसे हम पिंडों की, ग्रहों की दूरियां, तारों की दूरियां मापते हैं, उस मात्रक की भी बात कर ही लेते हैं। तो जो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो है पारसेक। क्या नाम है? पारसेक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताइए, तो आपको बताना है पारसेक। अब देखिए, जब यहाँ पे बात की आपने खगोलीय दूरी की, तो खगोलीय दूरी क्या होती है पता होना चाहिए आपको। तो ग्रहों, तारों आदि के बीच की जो दूरी ज्ञात करते हैं हम, वो दूरी ही खगोलीय दूरी कहलाती है। अब देखिए, यहाँ हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश वर्ष पढ़ा था। यहाँ हमने क्या पढ़ा है? पारसेक पढ़ा है। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष में भी हम संबंध ज्ञात कर लेते हैं। तो जो एक पारसेक है वो बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। देखिए, एक पारसेक का मान कितना बड़ा होता है, प्रकाश वर्ष अपने आप में ही बड़ा है, फिर भी इसका मान कितना हो गया, 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब पारसेक दूरी मापने की बहुत ही बड़ी इकाई है। अब देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी है, किसके मध्य की, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है, वो दूरी क्या कहलाती है? वो दूरी कहलाती है एस्ट्रोनोमियल यूनिट, एस्ट्रोनोमिकल यूनिट, या इसको हिंदी में हम बोलेंगे एक खगोलीय एकक। एक खगोलीय एकक है। किसके मध्य की औसत दूरी है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। अब देखिए, एक वैज्ञानिक आए पोलैंड के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सूर्य है, क्या है, जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। वो क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने कहा ये? पोलैंड के वैज्ञानिक ने कहा। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? सबको पता है, उनका नाम था कोपरनिक्स। क्या नाम था? कोपरनिक्स उन वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने ये बताया कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो है सूर्य। किस किस को पहले से पता था कि ये बात कोपरनिक्स ने बताई है? कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ब्रह्मांड यानी के यूनिवर्स के अंदर अब हम देखेंगे सौर मंडल को। तो सौर मंडल क्या है? देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बहुत से ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्का पिंड है, अन्य आकाशीय पिंड है, इन सब का जो समूह है वो समूह कहलाता है सौर मंडल। सौर मंडल को हम सूर्य का परिवार भी कहते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं या सूर्य परिवार कहते हैं। अब बात आती है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, जिसमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। कौन कौन से हैं हम देखेंगे कि जो सूर्य के पास है उसके क्रम में हम आगे देखते जाएंगे। सबसे पास है सूर्य के बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये हैं 8 ग्रह सौर मंडल के। जो इनमें से सबसे छोटा ग्रह है वो ग्रह है बुध। वो ग्रह है बुध, बुध यानी के मरकरी। मरकरी जो है वो सबसे छोटा ग्रह है इन 8 ग्रहों में से, और इसकी एक स्पेशल बात और है कि यह सूर्य के सबसे निकट है। यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। देखिए, बात आती है कि सूर्य के सबसे निकट तो है बुध ग्रह, लेकिन जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। तो ऐसे नहीं सोचना कि सबसे जो निकट ग्रह होने वाला है वही सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म है शुक्र ग्रह, ठीक है। तो जो सबसे छोटे की बात हो गई है बुध की, सबसे बड़े की बात पे आते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह है। जो जुपिटर ग्रह है इसका व्यास धरती से 11 गुना बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि जुपिटर ग्रह कितना बड़ा होगा, और यह सबसे बड़े होने के साथ साथ सबसे भारी ग्रह भी है। अब बात करते हैं कि जो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, सबसे निकट तो हो गया है बुध, और सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है वरुण यानी के नेपच्यून ग्रह।
अब बात आती है कि पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट है बुध और पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के उपग्रह की बात करते हैं तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। हम सभी को पता है चंदा मामा वाली कहानी हम सबने सुनी है बचपन में। अब बात आती है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र यानी के वीनस। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र यानी के वीनस। इसलिए शुक्र के बहुत से उपनाम भी हैं। तो उपनामों को पढ़ते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन। इनसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है, भोर का तारा कौन सा ग्रह है, सांझ का तारा कौन है। तो ये सब तीनों चीजें जो है हमको याद रखनी है। तो शुक्र ग्रह के ये उपनाम है। सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, याद रख लेंगे। अब बात आती है सबसे चमकीला जो तारा है वो कौन सा है। तो सबसे चमकीला तारा है साइरस यानी के डॉग स्टार। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं तो इनको सभी को अभी के अभी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं, तो बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर ग्रह, इसके उपग्रह सबसे ज्यादा हैं। एक खास बात इसकी और है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिस पर बड़े बड़े धब्बे हैं। तो बड़े धब्बों वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह ही है। उसके बाद में आता है कि लाल ग्रह कौन सा है। तो जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है तो वो नीला दिखाई देता है। हरा ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह हरा ग्रह है। इस प्रकार हमने सौर मंडल और उसके अंदर जो ग्रह है उनकी जो स्पेशलिटीज है उसके बारे में पढ़ लिया है। सौर मंडल के बाद हम अब आकाश के गंगा के बारे में देख लेते हैं। आकाश गंगा क्या है, तो वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है आकाश गंगा कहलाती है। देखिए वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है क्या कहलाती है, आकाश गंगा कहलाती है। अब बात कर लेते हैं आकाश गंगा की आकृति की। तो इसकी आकृति क्या है, सर्पिलाकार आकृति है इसकी, यानी कि आकाश गंगा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि इस आकाश गंगा का एक बड़ा केंद्र है। आकाश गंगा जो ये है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है इसका एक बड़ा केंद्र है। उस केंद्र से कुछ वक्राकार जो रेखाएं निकलती है, क्या निकलती है, वक्राकार रेखाएं निकलती है। उनमें से एक वक्राकार रेखा ऐसी है जिस रेखा के ऊपर हमारा सौर मंडल स्थित है उस रेखा को हम कहते हैं सिकारी हर्ज भुजा, या इसका एक नाम और है ओरायन सिग्नस भुजा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं अब हम। इस आकाश गंगा का एक बड़ा क्या है, केंद्र है जिससे कई वक्र भुजाएं निकलती है, यानी वक्राकार भुजाएं निकलती है। इसकी एक शिकारी हंस भुजा है, एक स्पेशल भुजा है इसकी जिसको हम ओरायन सिग्नस भुजा भी कहते हैं। और ये स्पेशल भुजा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा सौर मंडल स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आकाश गंगा की विशिष्ट भाग की। जिस विशिष्ट भाग के अंदर हमारा सौर मंडल स्थित है उसको हम कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला यानी के मिल्की वे। तो आकाश गंगा का वह विशिष्ट भाग जिसमें सौर मंडल स्थित है क्या कहलाता है, दुग्ध मेखला कहलाता है यानी के मिल्की वे कहलाता है। अब हमने यहाँ बात की गैलेक्सी की। ये वर्ड आया गैलेक्सी तो हमारे मन में विचार आता है कि गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी क्या है यानी कि मंदाकिनी, मंदाकिनी क्या है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है यानी कि मंदाकिनी कहलाता है। इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास होता है 10^5 प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक शब्द और आया है उसकी, यानी कि दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे की। अब देखिए दुग्ध मेखला या मिल्की वे क्या होता है,
एक गैलेक्सी जिसमें अरबों तारों का समूह है, दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे कहलाती है। इसमें अरबों तारों का समूह पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आकाश गंगा है इसके बारे में सर्वप्रथम हमें किसने बताया, यानी कि इसकी खोज किसने की, इसके खोजकर्ता कौन है, उनकी बात कर लेते हैं। तो आकाश गंगा गैलेक्सी की खोज गैलीलियो ने की। किसने की? गैलीलियो ने। हम सभी को पता है ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, तो अच्छे से माइंड में भी नोट कर लेंगे और नोटबुक में भी नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य सौर मंडल का एक केंद्र है इस बारे में। देखिए, जो सौर मंडल है उस सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है। यह बात किसने बताई? यह बात बताई केपलर ने। अब आपको याद आ रहा होगा कि ऐसी सी कुछ बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की है, तो वो बात हमने क्या की है कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। यह बात किसने बताई थी? कोपरनिकस ने बताई थी। तो इन दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य को सौर मंडल का केंद्र किसने बताया? केपलर ने। और सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र किसने बताया? कोपरनिकस ने। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे शब्द आ रहा है तारामंडल, तो बात करते हैं तारामंडल की। तारामंडल क्या है? तो बहुत सारे तारों का एक सुंदर पैटर्न तारामंडल कहलाता है। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। जो टोटल तारामंडल है वो कितने हैं? 89, यानी कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89 है। इनमें जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो है सेंटोरस। क्या नाम है? सेंटोरस। और जो सबसे छोटा तारामंडल है वो है क्रक्स। ब्रह्मांड के कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीजें हमारी रह गई है वो देख लेते हैं। अब आकाश गंगा की निकटतम गैलेक्सी है, तो आकाश गंगा की निकटतम गैलेक्सी कौन सी है? जो देवयानी गैलेक्सी है वो आकाश गंगा की निकटतम गैलेक्सी है। नवीनतम ज्ञात जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी कौन सी है? तो डफाफ गैलेक्सी जो है वो नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी नाम का जो तारा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। फिर बात आती है ब्रह्मांड का जो विस्फोटी तारा है वो कौन सा है? तो सुपरनोवा तारा या अभिनव तारा ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा है। ये दोनों क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि तारे का रंग सूचक है। जो तारे का रंग है वो किसके ऊपर निर्भर करता है ये हमें पूछ रहा है। तो जो उसका ताप है, यानी तारे का जो ताप है उसके ऊपर तारे का रंग निर्भर करता है। अब बात आती है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको आकाश काले रंग का दिखाई देता है। फिर है, आकाश का रंग नीला दिखता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए, ये जो तीनों क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनके पीछे का जो लॉजिक है, जो कारण है, वो हम हमारे आगे आने वाली वीडियो में पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और पूरा विस्तार से हम एक वीडियो बनाएंगे। तो देखते रहिए आप तरुणा पब्लिकेशंस और जुड़े रहिए ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियो है वो मिल जाए। बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए जल्दी से। अब देखिए, फिलहाल हम ब्रह्मांड का जो शॉर्ट परिचय है वो पढ़ लेते हैं आगे। तो 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु है। 76 वर्ष के बाद में दिखाई देने वाला एक धूमकेतु है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो उस धूमकेतु का नाम क्या है? हेली धूमकेतु है। यह अंतिम बार कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। और अब नेक्स्ट टाइम कब देखा जाएगा? ये 2062 में देखा जाएगा। हम सभी वेट करेंगे और हेली धूमकेतु को देखेंगे। हाँ जी, बूढ़े तो हो ही जाएंगे पर देख लेंगे, 2062 तक का वेट करेंगे। ठीक है, अब ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया। तो जो एस चंद्रशेखर है उन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। क्या है ब्लैक होल, इसकी पूरी जानकारी
जानकारी तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे, जिसमें पूरा विस्तार से वीडियो बनाया जाएगा इन सब टॉपिक्स के ऊपर। एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है वो एक टाइप का ब्लैक होल है। वो अपने अंदर प्रकाश के साथ साथ सभी चीजों को समा लेता है, यानी सबको अवशोषित कर लेता है। ये मान सकते हैं आप कि सभी चीजें गायब हो जाती है, वापस बाहर कभी नहीं आ सकती, वो है ब्लैक होल। बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, ऐसे आप समझ लीजिए एक बार, ठीक है। तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? एस चंद्रशेखर ने दिया है। अब एक क्वेश्चन भी कई बार आता है कि तेजी से घूमने वाला जो तारा है वो क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं हम पल्सर। क्या कहते हैं? पल्सर। बाइक के नाम से याद कर लीजिए, एक बाइक आती है पल्सर, तो जो घूमने वाले जो तारे हैं वो कहलाते हैं पल्सर। इस प्रकार हमने ब्रह्मांड का परिचय पढ़ लिया है। इसमें सौरमंडल, आकाश गंगा, तारे, ग्रह, इन सभी का हमने अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, जिस प्रकार हमने ब्रह्मांड पढ़ा है उसी तरह हम आगे भी बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहना। तो ब्रह्मांड की सैर आप यहाँ बैठे बैठे ही कर चुके हैं, तो इसलिए आप को इतना अच्छा हमने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। तो आप भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो मैं वापस बोल रही हूँ आपको, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बने रहे तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।